हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? दसवीं एंड बारहवीं कक्षा 13 जुलाई 2019 को कंपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिल सके। आपको लेके चलता हूँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके लिए खुशखबरी तो आई हुई है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, लेकिन आपको बता देते हैं आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या रूल को पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको पेपर में देने से वंचित कर दिया जाएगा इस बार। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं एक एडमिट कार्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। ठीक है, इसमें टर्म एंड कंडीशन दिखाई गई है। ठीक है, आप सभी को बारीकी से दिखा देते हैं क्या कंडीशन दिखाई गई है। आप जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे सबसे पहले तो आपको बता देते हैं इसमें आपको क्या क्या छूट दी गई है, क्या छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं आपको परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, नंबर दो, परीक्षार्थी परीक्षा से पूर्ण प्रवेश पत्र का A4 साइज रंगीन प्रिंट निकलवा कर, ठीक है, आपको रंगीन प्रिंट आउट निकलवाना आपको बता देते हैं, निकलवा कर ऊपर सुनिश्चित कर ले कि उस पर दिखाए गए जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर, फोटो, विवरण उसी के हैं। यदि विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो परीक्षा तिथि से पूर्ण बोर्ड कार्यालय में संपर्क करके संशोधन करवा ले। परीक्षा के बाद फोटो हस्ताक्षर संबंधी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। आपको यह बड़ा मौका दिया गया है कि आप यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड निकाल के देख लीजिएगा, आपका नाम गलत हो, आपका फादर नेम गलत हो, मदर नेम गलत हो, एड्रेस गलत, कुछ भी, आप अगर आपका गलत है तो आप वहाँ पर चेंज करवा लीजिए एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, यानी कि कल करवा लीजिए, परसों करवा लीजिए, 13 तारीख से पहले पहले आप करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंपार्टमेंट श्रेणी के परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तथा लिखित में उन्नत है तो उन्हें केवल प्रायोगिक परीक्षा ही देनी है, और यदि परीक्षार्थी लिखित में उन्नत है लेकिन प्रायोगिक में उन्नत है तो उसे केवल लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है, उसके बाद चौथी कंडीशन बताई गई है, परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा केंद्र हेतु अधीक्षण से संपर्क कर सकता है। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर अध्यापक होते हैं, वहाँ से आप प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं कि कब आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है। पाँचवा टर्म एंड कंडीशन बताई गई है, परीक्षा केंद्र पर मूल पहचान पत्र आधार कार्ड आपको ले जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना है वहाँ पर, अगर नहीं ले जाते हैं तो आपको ये परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। छठी कंडीशन बताई गई, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र रंगीन फोटो जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्कैन किया था उसे चिपका कर किसी सरकारी डैश गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य मुख्याध्यापक या किसी राजकीय अधिकारी स्थापित करवाना सुनिश्चित करें। आपको बताया गया है कि आप हेडमास्टर से, ठीक है, स्कूल में जाइए और हेडमास्टर से फोटो चिपकाइए, यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन किया था वहीं फोटो, और उसे स्थापित करवा लीजिए, अटेस्टेड करवा लीजिए उसके, नहीं आने तो आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको जैसे फोटो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, उसे ग्रेजुएट ऑफिसर से यानी कि हेडमास्टर प्रिंसिपल से किसी से भी आपको अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाया गया है, ठीक है, ये आपको सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर आपने यहाँ कर रखे हैं ऐसे सिग्नेचर आपको यहाँ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में, और इसे एडमिट कार्ड को अपने साथ ले जाना 13 तारीख को एग्ज़ाम के समय। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। यह वीडियो यहाँ तक देखिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें सभी का दिन शुभ रहे।